गुजरात में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद शिवसेना ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। खबर इससे बड़ी ये है कि शिवसेना को राहुल गांधी अच्छे लगने लगे हैं। शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत का यह कहना है कि राहुल गांधी में नेतृत्व की क्षमता है और 3 साल पहले वाले राहुल गांधी अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। गुजरात में राहुल गांधी के चुनाव अभियान की तारीफ करते हुए संजय राउत ने कहा कि अब राहुल का भाषण सुनने वाला होता है। और ये शिवसेना की तरफ से बयान आया है जो कई तरफ इशारा करता है, क्योंकि अब लगातार राहुल गांधी जो भाषण देते हैं शिवसेना उसके एनालिसिस के आधार पर कह रही है कि 3 साल पहले जो राहुल गांधी थे अब राहुल गांधी बदल चुके हैं। 3 साल में बहुत कुछ बदल चुका है सरकार की तरफ से या बीजेपी की तरफ से। जो भी वादे वायदे आश्वासन दिए थे वो पूरे नहीं हुए कुछ महीने में, तो लोगों के सोच में बदल होता है, लोगों के विचारों में बदल होता है और लोग विकल्प ढूंढते हैं। ये अगर बात है तो ये बात माननी चाहिए, उसमें कोई राहुल गांधी को घोड़े पे बिठाने का सवाल नहीं है और प्रधानमंत्री जी की बारे में कोई टिक्का टिप्पणी करने की बात नहीं। 3 साल पहले वाले राहुल गांधी अब नहीं है, बहुत कुछ बदल चुका है। राहुल गांधी 3 साल पहले हम उनको पप्पू करके बुलाते थे सोशल मीडिया में, एक ग्रुप, एक पार्टी के फॉलोअर्स, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है कि आप उन्हें पप्पू कहिए। एक तो कांग्रेस पार्टी के नेता है, ऐसे किसी के साथ इस प्रकार से बोलना ठीक नहीं है। दूसरी बात है, गुजरात में जिस प्रकार से राहुल गांधी प्रचार में उतरे हैं और जुटे हैं, लोग उनके सुनने के लिए भीड़ भी आती है, वो अगर देखे तो राहुल गांधी का नेतृत्व बन रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर।